उत्तराखंड का नाम सुनते ही आपके मन में आसमान को चूमते ऊंचे पहाड़, उन पहाड़ों के साथ बहती नदियाँ, नदियों के किनारे बसे खूबसूरत गांव और सबसे खास यहाँ पे मिलने वाला सुकून, ये सभी ख्याल एक साथ आपके मन में दौड़ जाते होंगे। पर आज की तारीख में उत्तराखंड का ये हिस्सा कहीं खो सा चुका है। तो दोस्तों, मैं आपको इस अमेजिंग एक्सपीरियंस पर मेरे साथ ले जाना चाहता हूँ, जहाँ हम उत्तराखंड के एक ऐसी खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करेंगे जो बस्ती है गंगा जी के किनारे। यहाँ आज भी लोग सालों पुराने बने लकड़ी के घरों में रहते हैं। खेती आज भी इनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। यहाँ की नदियों में एकदम साफ पानी बहता है। एक ऐसी जगह जहाँ सालों पहले ब्रिटिश आर्मी का एक आम सा सिपाही आया तो यहाँ का राजा तक कहलाया और इस पूरी जगह को बदल के रख दिया। गंगोत्री धाम से 25 किलोमीटर पहले पड़ती है ये खूबसूरत वैली जिसका नाम है हर्षिल। तो बेसिकली ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये बेसिकली हर्षिल का मार्केट है। तो जब भी हम हर्षिल में एंटर करते हैं, हम इसी में एंटर करते हैं। ये कुछ 200-300 मीटर की लाइन है। और इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं येलो ऑरेंजिश पेंटेड हैं और उन पे अलग अलग तरह की इंटरेस्टिंग पेंटिंग्स भी बनी हुई है। और इस मार्केट के साइड में इधर और इधर दोनों तरफ गांव वाले रहते हैं, उनके घर हैं, पूरा गांव इसके आसपास बसा हुआ है। तो हर्षिल इस पूरी वैली का सबसे फेमस गांव है और इसी के नाम पर इस घाटी का नाम हर्षिल वैली पड़ा। अब गांव में कुछ देर घूमने के बाद मुझे लोकल्स बताते हैं कि एक इंसान है जो मुझे राजा विल्सन की इंटरेस्टिंग स्टोरी बता सकता है, नागेंद्र जी। और साथ ही मुझे लोकल्स ने इस जगह के बारे में भी बताया। तो हर्षिल गांव से 3 किलोमीटर का छोटा सा हाइक निकलता है लामा टॉप के लिए, जहां से पूरा हर्षिल गांव, बहुत सारी हर्षिल वैली बहुत हद तक दिखती है और बहुत खूबसूरत नजारे बताते हैं ऊपर से। मैं अपनी किस्मत आजमा रहा हूं आज, क्योंकि आज 80% चांस है रेन का। तो मैंने सोचा यार पहले लामा टॉप से नजारे देख लेते हैं, फिर नागेंद्र जी से पूछेंगे कि ऐसा क्या खास कर दिया राजा विल्सन ने जिस वजह से वो वर्ल्ड फेमस हो गए। भाई साहब, फाइनली लामा टॉप, जिसे लोकल लोग लामा टेकरी बोलते हैं, वहाँ पे पहुँच चुके हैं और एक एक कदम जो मैंने चलाना वो वर्थ है, नज़ारे एक नंबर है। निकलना पड़ेगा फटाफट क्योंकि हवा बहुत तेज हो गई है और बादल एकदम ऊपर आ गए हैं। बारिश से बचते बचाते मैं पहुंचा नागेंद्र जी के पास। तो ये कहानी शुरू होती है 1836 में, जब इंग्लैंड से 19 साल का एक लड़का फ्रेडरिक विल्सन ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन करने इंडिया आता है। कुछ ही सालों बाद 1839 में वो अपना फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर लड़ता है और वहाँ से विल्सन अपनी जान बचाकर पहुँचता है हर्षिल वैली। फिर उसने जो है यहीं पर धीरे धीरे जो है रिलेशन बनाया। रिलेशन बना करके मुखवा गांव जो है, मुखवा गांव में एक लड़की थी, उसका नाम था राई मती, और उससे उसका जो है प्रेम विवाह हो गया। हो गया तो उससे जो है कोई संतान नहीं हुई। फिर उसने उसकी भतीजी तो वो लाई और उससे दो लड़के हुए। अब हर्षिल में सेटल हो जाने के बाद उसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था पैसा कमाना और इसकी शुरुआत उसने की हंटिंग से। जैसे कस्तूरी है, मुनाल है, इनकी खाल में जो है वो भूसा भर के उसको विदेश भेजता था। फिर उसकी नजर पड़ी यहाँ के घने जंगलों पर और ठीक उसी समय ब्रिटिशर्स इंडिया में रेलवे ट्रैक्स बिछा रहे थे। अब विल्सन ने उस समय के राजा से लकड़ी काटने का लाइसेंस लिया और साथ ही गंगा नदी के किनारे लकड़ी काटने की फैक्ट्रीज बनवाई। फिर लकड़ियों को गंगा में बहाकर ब्रिटिशर्स के लिए हरिद्वार तक पहुँचाया और इस तरह विल्सन ने बेहद पैसा कमाया। उसका अपना भी सिक्का चलता था, लेकिन उसका अपना सिक्का चलता था, इसका मतलब वो भी तो एक प्रकार का राजा हुआ जिसका अपना सिक्का चलता है। अपना वो टुकन देता था लोगों को, टुकन समझ लो उसको, और उसको दे करके अपना काम कराता और फिर उसको जमा कर लेता। बहुत से लोग उसको पहाड़ी राजा भी बोलते थे और यहाँ के लोगों को जो राजमा और सेव होता था उसके बारे में जागरूक किया कि भाई ये चीज़ जो है आप लगाइए, यहाँ के क्लाइमेट जो है इस लायक है। अब कहानी के आखिर में नागेंद्र जी ने मुझे बहुत ही तगड़ी बात बताई। मुखवा गांव में आप गए मुखवा गांव के? मुखवा गांव में प्रेमचंद बोल रखा ना उनके परिवार के थ्रू। हर्षिल वैली के मुखवा गांव में आज भी वो घर है जो कि खुद विल्सन ने अपनी फर्स्ट वाइफ राईमती जी के लिए बनवाया था
और सच मानो ये घर किसी महल से कम नहीं है। हर्षिल गांव को एक्सप्लोर करने के बाद मैं सीधा जाऊंगा विल्सन के बने इस महल को देखने। तो ये जो आलू आप बो रहे हो अभी, ये आलू बोने के बाद कितने महीने में सही हो जाएगा? करीबन 3-4 महीना लग जाता। पकाओ खाओ अच्छे से। मेरा नाम सीता सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हो? नेपाल। हर्षिल कैसा लगा यहाँ के? हिंदुस्तान के उत्तराखंड के लोग कैसे लगे? ठीक है, हमारे लिए ठीक ही करता। काम करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो ऐसे अच्छे। आप मतलब नेपाल से आके यहाँ पे काम कर रहे हो ताकि आप रोजी रोटी कमा सको? हर्षिल नाम पहले गांव वाले हरिशिला बोलते थे, हर्षिल के लिए। आज शॉर्टकट बोलने लगे लोग। शॉर्टकट में क्या बोलते? हर्षिल जा रहे हैं। जो नाम पड़ा है ना, ये हरिशिला से पड़ा है। आंटी जी को मैंने कम से कम 2 मिनट कह के 10 मिनट रोक लिया और इतनी सारी बातें कर ली। आंटी जी को खाना बनाना है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आंटी ने मुझे बताया कि एक बार भागीरथी नदी और जलंधरी नदी में छोटा सा झगड़ा हो गया कि कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा। अब विष्णु जी ने दोनों में से किसी की भी साइड ना लेते हुए अपने आप को एक बड़ी सी शिला में बदल दिया और दोनों नदी के संगम पर प्रकट हो गए। और इस तरह भगवान विष्णु ने दोनों नदियों का गुस्सा एब्जॉर्ब कर लिया और इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा हरिशिला। और आज भी हरिशिला के बाद दोनों नदियां बहुत शांति से बहती हैं। ये पल हैं जो पल बहुत समय तक याद रहते हैं। मतलब गंगा जी बह रही हैं और इतनी साफ है अभी इस वक्त यहाँ पे कि मैं लिटरली यहाँ से बॉटल भर के पानी पी सकता हूँ। गंगा जी के किनारे कुछ देर बैठने के बाद मैं हर्षिल गाँव में अंदर चला गया और अब जो मैं एक्सपीरियंस करने वाला था वो मेरे लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड था। मैं जिन आंटी से पहले मिला था और वो आंटी मुझे फिर मिल गई। ये रही वो आंटी। तो मैंने आंटी को रिक्वेस्ट की कि एक बार आप मुझे अंदर से घर तो दिखा दो कैसा होता है। तो आंटी ने कहा चलो। पहले तो मैंने इनसे ऐसी बात की, फिर इन्होंने कहा कि चाय पी लेते हैं। फिर मैंने कहा यार 3 बज रहे हैं, चाय का तो नशा मैं करता ही हूँ, मेरे को चाय बहुत पसंद है। मैंने कहा चलो ले आओ। ले लेता। तो दादी ने चाय ला दी। तो पहले आप पियो। ये हमारा बैठक है। आंटी तो बहुत ठंडा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि एसी चल रहा है। ये क्या होता है कि हमारा ये लकड़ी का घर है। ठीक है। ये क्या होता है जैसे बाहर बर्फ गिरती है ना तो ये अंदर से गर्म हो जाते हैं। मिट्टी का बनता है? मिट्टी, इसके अंदर मिट्टी, चिराई, पत्थर और लकड़ी। सर्दी में गर्म और गर्मियों में ठंडा। और ये है अंशुमन, दादी जी का नाती है। पहाड़ के लोग बड़े सही होते हैं। पहाड़ के लोग बेटा, वो बाहर से तो काला होता है कपड़ा कुपड़ा, उसका काला बोला हाँ। अंदर से साफ होता है। जैसे हम शहरों में घर बनाते हैं ना तो हमारी छत बहुत ऊंची होती है। तो आप लोगों की ये है ना कि वहाँ गर्मी है हाँ। तो आपको पंखा भी लगाना होता है, ये भी करना होता है। हमको तो पंखे की जरूरत नहीं है। जैसे आप राजस्थान घूम के आए हो, पुणे घूम के आए हो, आपको बोला जाए कि अब जो आपका जीवन है वो वहाँ काट लो, तो आप वहाँ रहना पसंद करोगे? ना ना बेटा, वहाँ तो नहीं। यही नहीं, वहाँ तो हम बिल्कुल नहीं रह सकते। तेरी तो किधर गए आंटी जी? अंगेठी हो गए। इससे तो इससे धुआं तो ऊपर जाता है हाँ। इससे पूरा रूम गर्म हो जाता है। वो नहीं, बर्फ नहीं गिरती ना तब क्या हो जाता है, वो ठंड से ना हमारा पूरा त्वचा जल जाता है। हम तो नीचे नहीं रह पाते। नीचे जाएंगे हम लोग तो उधर क्या खाली सूखी ठंड अंदर घुसती है हमारी। यहाँ क्या होता है, हाथ पांव ठंड लगती है, शरीर गर्म रहता है। और ऐसे बोलते हैं कि जो गंगा का पानी प्योर लेके जाते हैं वो कभी अपवित्र नहीं होता। बिल्कुल, साफ बर्तन पर ले जाओ, कभी खराब नहीं होगा, रख के रखना। तो अंशुमन जो है, जब मैं इससे पहली बार मिला था जो कि आधे घंटे पहले था, इसने कहा था भैया मेरे को वीडियो में मत लेना। अब ये बोल रहा भैया मैं साथ में चलूंगा आपके, मैं घूमूंगा साथ में। तो अभी कहाँ लेके जा रहा है तू मुझे? मैं इनको ले जा रहा हूँ पोस्ट ऑफिस, जो कि यहाँ हर्षिल का बहुत पुराना है। अब उस पोस्ट ऑफिस की एक खास बात है, वो मैं बताता हूँ वहीं चल के। अच्छा, इसकी खास बात ये है कि राम तेरी गंगा मेरी मूवी है वो यहाँ शूट हुई थी और उसमें से एक बहुत फेमस सीन है वो इसी पोस्ट ऑफिस पे शूट भी हुआ है। ये सेब का बगियान है, एप्पल के पेड़ हैं सारे। अभी आप कहोगे यार एप्पल के पेड़, एप्पल कहाँ है? बेसिकली अभी यहाँ पे इस पे फूल लगना चालू हुए हैं। तो ये एप्पल के फूल हैं, ये धीरे 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 सेप्टेम्बर में आते आते ये सारे एप्पल में कन्वर्ट हो जाएंगे, सारे पेड़ पे एप्पल आ जाएंगे। और एक पेड़ पे लगभग 50 से 60, किसी किसी पे तो 80-90 पेड़ एप्पल भी एक पेड़ पे आ सकते हैं। शाम हो चुकी थी और अब टाइम था थोड़ी बहुत मस्ती का। अंशुमन कहाँ मारूं पता, वहीं मारूंगा। और कल सुबह होते ही मैं निकलने वाला था मुखवा गांव, उस हवेली को देखने जिसको विल्सन ने अपनी वाइफ रायमती जी के लिए बनवाया था। बेइज्जती होगी यार इसकी आंख। ये हुसन जी जो थे वो हमारा रिश्तेदार थे। वो ये उन्होंने जो है मेरे बुढ़ी के नाम से ये मकान बनाया। यहाँ पे लकड़ी और पत्थर है सारी। ये दर दराज है, ये
यहाँ से कनेक्ट होकर कनेक्ट उधर जाते हैं दूसरे कमरे में हाँ। और ऐसे कर करके 16 कमरे 16 कमरे अच्छा ये दूसरा कमरा अब यहाँ से आए इधर से आए और इधर चले गए ये उस टाइम बर्फ पड़ती थी बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती थी तब उन्होंने कहा कि अंदर अंदर हम अपना वो करें कि बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े ये अंदर नीचे जाने के लिए ये वाला हिस्सा उस वाले ऊपर वाले हिस्से से पुराना लग रहा है पुराना है अच्छा ये रहा सर ये गाय रहती है गाय हमारे ना गाय बैल रहते हैं इस पे पूरा पेड़ लगा हुआ है पूरे पेड़ है होलसेल था राजा था यहाँ का उस टाइम कुछ भी कर सकता था कुछ भी कर सकता था और आप किसकी खेती करते हो यहाँ पे सेब राजमा आलू जितना मैं सोचा था हाँ सर उससे कई ज्यादा तगड़ा है मतलब ये तो एक तरह से छोटा सा महल है उसका चाय पर बातचीत के दौरान प्रेमचंद जी ने मुझे बोला कि आप गंगा माँ का आशीर्वाद जरूर लें जब गंगोत्री में गंगा माँ नहीं होती हैं तो जब वहाँ कपाट बंद हो जाते हैं तो वहाँ से उनको डोली में सजा के ये जो मुखवा गांव है यहाँ पे मुखी मठ मंदिर है जिसमें मैं बैठा हूँ ये पीछे आप जो देख रहे हैं वो गंगा माँ ही हैं तो उनको यहाँ लाया जाता है और ये बोला जाता है कि गंगा माँ का मायका है और शीतकालीन पीठ मठ है उनका तो मैं क्या है गाँव में ऐसे घूम रहा था घूमते घूमते मुझे पंडित जी दिखे पंडित जी ने मुझे अंदर बुला लिया आंटी जी ये जो है ये क्या है ये भटवानी है या सोयाबीन का बनता है उसके साथ सफेद चावल पापड़ और चटनी 2 मिनट पहले आते हैं तो हम साथ खाते चलो कोई नहीं सही में अच्छा है बहुत पहले थोड़ा सा मेरे को नमक कम लगा क्योंकि मैं नमक ज्यादा खाता हूँ मगर अच्छा है लाइफ में पहली बार भटवानी टेस्ट करने के बाद और मुखवा गांव को अलविदा कहने के बाद अब समय आ गया था मेरे मायने में हर्षिल वैली के सबसे खूबसूरत गाँव बागोरी को एक्सप्लोर करने का आपका नाम क्या है सरस्वती आपका नाम सरस्वती है बहुत खूबसूरत नाम है आपकी उम्र 60 से ऊपर पहुंच गया मैं देख रहा हूँ सेब के बगियान है पीछे आपके तो उसी में काम करते होगे ये जो है ये भैया जी की माता जी हैं चलो धन्यवाद ख्याल रखिए बागोरी गांव को बसाया है बोटिया ट्राइब ने जो 1962 इंडो चाइना वॉर से पहले इंडिया तिब्बत बॉर्डर के पास निलोंग और जादोंग गाँव में रहते थे और तिब्बत के साथ ट्रेड किया करते थे पर 1962 की वॉर के बाद निलोंग और जादोंग गांव को खाली करा दिया गया और बोटिया लोग बागोरी गांव में आकर बस गए ये गांव भी अपने आप में एक मतलब इनक्रेडिबल मतलब विलेज मान लो यहाँ पे दोनों धर्म के लोग मतलब रहते हैं मतलब हिंदुइज्म में भी प्रैक्टिसेस करते हैं और बुद्धिज्म में भी लोग प्रैक्टिसेस करते हैं जो भी मैं अभी तक नोटिस कर रहा हूँ ये है कि यहाँ पे जो घर बनाए गए हैं ना वो लकड़ी मिट्टी और कुछ हद तक पत्थर से बनाए गए हैं लकड़ी और मिट्टी मेजर कंपोनेंट है उन घर के ये जो पीछे आप मकान देख रहे हो ना ये बेसिकली 71 साल पुराना है पर्सनली मैं जितने लकड़ी के मकान देखता जा रहा हूँ हर उन लकड़ी के मकान को देख के मैं रुक रहा हूँ और निहार रहा हूँ इतने खूबसूरत है जैसे कि ये जिसपे मैं अभी बैठा हूँ वो भी एक बहुत पुराना घर है इसी विलेज में बहुत हवा चलती है ये चारों तरफ से पानी से गिरा हुआ है पर ये है कि हवा से बचने के लिए तो गांव को स्टेट बसाया गया महेंद्र भाई ने मुझे गर्तंग गली जाने का सजेशन दिया पुराने जमाने में बोटिया लोग इसी रूट से तिब्बत बॉर्डर तक जाते थे और 1962 वॉर के बाद पहली बार उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको 2021 में टूरिस्ट के लिए ओपन किया तो मेरा कल का प्लान ऑलरेडी बन चुका था आ जाओ अंदर ये बंद इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये भाई साहब जो हैं ये निकल जाते हैं हाँ 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 बोल बोल तो मैं ऐसे ही गाँव में घूम रहा था मुझे सर दिखे मैंने कहा सर मैं आ जाऊँ आपके घर ये तगड़ी चीज है ये बोटिया ही है बोटिया ही है यहाँ पे ये जो घर है ये कितने साल पुराना होगा 70 पहुंचने वाले हैं दादाजी ने बनाया दादाजी ने बनाया था तो ये लकड़ी जो इसमें इस्तेमाल होती है कौन सी है देवदार जैसे हम रोटी बनाते हैं लकड़ी का रोटी खाते हैं चावल बनाते तो गैस में बनाते हैं जैसे राजमा बनाना है लकड़ी का यूज करते हैं गाय हुआ खच्चर हुआ घोड़े हुआ इसके नीचे बनना है उनको ये है जंगली मशरूम ये बहुत महंगी चीज है ये आपका प्लेस में कम से कम आपका 3,500 किलो के किलो तो ये हर किसी को नहीं मिलती जैसा आप जाओगे तो आपको भी ये नहीं मिलेगी ये इनको मिलती है बहुत किस्मत वाले लोगों को मिलती है चीजें नहीं ये तो कुदरती है ये मिलना बहुत टफ है और जैसे अभी आमदनी के लिए आप क्या काम करते हो आम के सेब है ये सेब के बगियान सामान है आलू है राजमा है ये खेती का है अपना खेती का है भेड़ बकरी है देखो भाई साहब ये है नीली ये लोग होते हैं बहुत तगड़े मतलब शेरों के पीछे भाग जाए ऐसे ऐसे होते हैं है ना बहुत बहुत वफादार होते हैं ये 2 महीने का है अभी अंकल जी बाय बाय ख्याल रखना ख्याल रखो अच्छा लगा अरे आपने इतना समय दिया मजा आया और अगली सुबह मैं निकल गया गर्तांग गली को देखने गर्तांग गली पहुंचने तक 1-2 किलोमीटर का हाइक होता है जो मैं अभी कर रहा हूँ उसके बाद गर्तांग गली चालू हो जाता है और बेसिकली जिस घाटी में अभी अपन चल रहे हैं इसे भैरव घाटी बोलते हैं और यहाँ नीचे की तरफ ही जो नदी बह रही है उसे जाड़ गंगा बोलते हैं और सामने की तरफ
इज निलोंग वैली। तो ये मैं हाइक पे चल रहा हूँ और सामने की तरफ ही निलोंग वैली है। गरतांग गढ़वाल से नेलंग को जोड़ने के लिए था मेनली, और नेलंग इज एक एक प्लेस मान लो जहाँ तिब्बतन इंडिया आते हैं ट्रेड के लिए, और बाकी जगह जहाँ भी आप देखोगे ना जो ट्रेड करते हैं लोग, वो लोग इंडिया से तिब्बत जाते थे ट्रेड के लिए। तो वहाँ से जो सामान आता था मेनली नमक साल्ट, हम उनको चावल बेचते थे, आटा वगैरह सत्तू बोलते जिसको ना, हमने पाउडर वगैरह देते थे, देन उनसे हम नमक वगैरह लेके कुछ कपड़े भी लाते थे उस टाइम। आज से कुछ 150 साल पहले लोकल्स ने इस 136 मीटर लंबे ब्रिज को बनाया और फिर पेशावर के पठानों की मदद से इसे और चौड़ा करवाया। गड़तांग गली बेसिकली हम लोगों के लिए एज अ टूरिस्ट यहाँ खत्म होती है, बट पहले के लोग वहाँ से आते थे, सब खुला था, चलना है क्या तिब्बत। बेसिकली मैं अभी धराली गांव में रुका हूँ, और जहाँ धराली में रुका हूँ श्लोक तेरी फोटो में डाल दूंगा। तो श्लोक क्या रुका हूँ, तो श्लोक को मैंने ऐसे ही बोला था कि यार बहुत दिनों के घर का खाना नहीं खाया, तो इसने आज क्या किया सीधा ये बोल दिया कि भैया इतने बजे मेरे घर आ जाना। तो ये श्लोक की मम्मी है, और श्लोक की मम्मी ने भाई साहब पहली बात तो ये गुच्ची की सब्जी है, गुच्ची मशरूम जो मैंने आपको दिखाया था, सोचा था कभी राजमा मिल जाए मजा आ जाएगा उत्तराखंड में, ये राजमा भी मिल गया। और आंटी जी ये क्या है? राई रोटी और पुदीना और घी। आंटी जी मजा आ गया, धन्यवाद। अभी तो मैंने खाया भी नहीं है, खुशबू इतनी मस्त आ रही है, धन्यवाद। कल यहाँ पे बारिश हुई थी तो ऊपर वाले इलाकों पे बर्फ गिरी है, फ्रेश स्नो। तो यहाँ से धराली से कुछ 5.5-6 किलोमीटर का ट्रैक है, लंबी धुंगी, उसको करने के लिए मैं जा रहा हूँ। ये सी लेवल पे थे अपन, यहाँ पे थे, ये यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, इतना ऊपर आ चुके हैं और अपन को इस पीक पर जाना है। धीरे चल यार, मैं इतना तेज नहीं चल पाऊंगा जितना तेज तू चल रहा है, तू सही पेस पे चल रहा है, तू चल पहले आगे चल। उधर नहीं जाना भाई। अच्छा पीसी कर रहा है, कर ले, मैं इधर जा रहा हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी थोड़ी सी अब फटना चालू हो गई है कि भाई कोई है भी नहीं यहाँ पे, और मैं सही जा भी रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। ये जंगल का इलाका है और यहाँ पे मौसम बदल गया तो दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ मौसम बदला तो सीधा स्नो होगी, बारिश वारिश नहीं होनी यहाँ पे, ऊंचाई पे आ गए अपन बहुत। 11:30 बज चुके हैं फिक्स, मैं सुबह 8 बजे का निकला हुआ हूँ। इतना लंबा ट्रैक तो ये नहीं है कि मैं 3.5 घंटे में नहीं पहुँच पाऊँ, इसका मतलब यही है कि मैं भटक चुका हूँ रास्ता, और मुझे वो गट फीलिंग से आ रही कि नहीं अब आगे नहीं जाना चाहिए। यहाँ कुछ दिन बिताने के बाद एक बात तो मुझे अच्छे से समझ आ गई कि पहाड़ों में लाइफ दूर से देखने पर खूबसूरत ज़रूर दिखती है, पर यहाँ पे ज़िंदगी आसान नहीं है। इतनी चैलेंजिंग लाइफ होने के बाद भी पहाड़ों के लोग इतने प्यारे और वेलकमिंग होते हैं, शायद इसका राज छुपा है यहाँ के जीवन की सादगी में। और दोस्तों, ज़्यादा देर हो जाए उससे पहले हम सबको साथ आकर कुदरत के दिए हुए इस खूबसूरत गिफ्ट को बचाना होगा, क्योंकि आज हर एक बीतते सेकंड के साथ ये खूबसूरत तोहफा हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है।